हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में फ़िट करने वाले हैं ये मिनी एलईडी बाइक इंडिकेटर, जो कि स्पेशली बाइक्स में फ़िट होती है। लेकिन आज हम इसे अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में काफ़ी अच्छे से फ़िट करेंगे। यह आप देख सकते हैं, हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। तो अभी हम इसे बाइक के सिस्टम के जैसे ही फ़िट करेंगे, सब कुछ वर्क करेगा। लेफ़्ट राइट इंडिकेटर, आगे पीछे का इंडिकेटर, बजर, सब कुछ वर्क करने वाला है। तो अभी हम इसे अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में फ़िट करेंगे, तो आप बस ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लोज से इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ताकि आप कनेक्शन को काफ़ी इजीली समझ जाएं। उससे पहले मैं आपको इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास है चार मिनी LED बाइक इंडिकेटर्स, जिसका अनबॉक्सिंग हमने पिछले वीडियो में किया था। तो अगर आपको इसका क्वालिटी और प्राइस डिटेल्स जानना है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक DC फ्लैशर, इसे मिनी रिले भी बोलते हैं, जो कि बाइक के इंडिकेटर में यूज़ होता है। तो आप इसे लोकल बाइक रिपेयरिंग शॉप से ले सकते हैं। मैंने इसे 70 रुपीज़ में बाय किया था। तो ये 2-पिन फ्लैशर है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लेफ़्ट राइट स्विच, जिसको मैंने अमेजोन से ही ओनली 65 रुपीज़ में विथ फ्री डिलीवरी परचेज़ किया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा परचेज़ लगा, तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये 6 वोल्ट का बजर, जो कि आपको बाइक रिपेयरिंग शॉप में ही मिलेगा। और अगर आपके इलेक्ट्रिक साइकिल में लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है, तो उसको आपको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ई बाइक कन्वर्टर्स आते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक बक कन्वर्टर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि 35 से 40 वोल्ट तक के वोल्टेज को 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, आपको जितना कस्टमाइज वोल्टेज चाहिए उतना आप इससे एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और आप इसे ज़रूर बाय करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल में लीड एसिड बैटरी लगा हुआ है, तो अगर आपके पास भी लीड एसिड बैटरी साइकिल में लगा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि 12 वोल्ट के लिए आप 4 बैटरी या 2 बैटरी में से किसी भी एक बैटरी से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकालेंगे, तो उससे आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा, और फिर आप 12 वोल्ट के अप्लायंसेस को इजीली चला सकते हैं। तो अभी हम इसे 12 वोल्ट से ये LED इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप फ्लैशर और ये स्विच में देखिए, वायर नहीं निकला हुआ है, तो हमें अलग से इसमें वायर निकालना पड़ेगा। तो वो मैं आपको पहले वायर निकाल के और फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने स्विच और फ्लैशर से वायर्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर स्विच में आपको ध्यान देना है कि जो स्विच का ये सबसे साइड वाला वायर आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला, ये इसका इनपुट होगा, और ये हमारा जो दोनों लेफ्ट और राइट होगा, ये दोनों वायर्स होंगे, तो ये इसका आउटपुट वायर होगा। तो अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने 12 वोल्ट के बैटरी से आउटपुट ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट निकल चुका है। तो उसके बाद हमें फ्लैशर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्लैशर में एक B लिखा हुआ है और एक L, तो हमें B में पॉजिटिव इनपुट देना है। तो ये यहाँ पर मैं पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब हमारा जो ये दूसरा टर्मिनल है, जिसमें L लिखा हुआ है, उससे हमें आउटपुट मिलेगा, जो कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये फ्लैश होके मिलेगा। उसके पहले हम जो इंडिकेटर्स 4 लगा रहे हैं, तो 2 लेफ़्ट साइड के होंगे, तो दोनों एक साथ जलेंगे लेफ़्ट वाले बटन को क्लिक करने पर। तो लेफ़्ट को हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, दोनों का पॉजिटिव एक साथ और दोनों का नेगेटिव भी एक साथ। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का हो गया, और राइट साइड का भी हम कर लेते हैं, ये दोनों का नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट का रेडी हो चुका है। तो अब हमें इस स्विच को कनेक्ट करना है। तो स्विच में मैंने आपको बताया कि ये ब्लैक वाला इनपुट है, तो ब्लैक फ्लैशर के आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो ये हमारा 2 टर्मिनल्स है, वो हमारा लेफ़्ट और राइट का होगा। तो इसमें आपको देखना है कि जो हमारा सारा इंडिकेटर्स का जो ब्लैक है,
वो बैटरी के ब्लैक से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ स्विच को कनेक्ट करने से पहले। तो ये मैंने ब्लैक को कॉमन लेते हुए सारा इंडिकेटर्स का ब्लैक डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। और अब जो हमारा ये दो वायर्स बचता है, तो ये एक लेफ़्ट का हो गया, तो मैं दो जो लेफ़्ट का इंडिकेटर है उसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और जो ये दो इंडिकेटर है वो राइट वाले वायर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो जब हम स्विच को लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और जब हम स्विच को ऑफ़ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, और फिर राइट क्लिक करने पर हमारा राइट साइड का इंडिकेटर ऑन होगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये वर्क करने लगा है। तो अब कनेक्ट करना है हमें बजर। तो बजर का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, लेकिन बहुत कोई आपको बजर को कैसे कनेक्ट करना है वो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो बजर कनेक्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा इंडिकेटर फ्लैश होता है। यहाँ पर लाइट ज़्यादा आ रहा है धूप की वजह से, इंडिकेटर का लाइट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं आपको ये बजर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो बजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स होता है, और यहाँ पर आपको इस फ्लैशर में देखना है कि जो बी लिखा हुआ है वो हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और ये जो एल है वो इसके नेगेटिव से। तो ये डायरेक्ट यहीं पर दोनों वायर्स कनेक्ट होते हैं। तो ये मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पूरा कनेक्शन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। लेफ़्ट क्लिक करने पर हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर और बजर ऑन हो रहा है, और राइट करने पर हमारा राइट इंडिकेटर और बजर, और बीच में प्रेस करने पर हमारा सब कुछ ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में इस सेम कनेक्शन को फॉलो करते हुए फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, साइकिल में इंडिकेटर को फिट करने के लिए ये यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा स्विच है उसमें मैंने जो केबल को टाइट करने वाला केबल टाई होता है उसको कुछ इस प्रकार से फिट किया है, और ये अब हमारा हैंडल में इजीली टाइट होके फिट हो जाएगा। और जो इंडिकेटर को फिट करने के लिए मैंने साइकिल के स्पोक की हेल्प से ये बेंड करके बनाया है इसका स्टैंड, जिसमें हम इंडिकेटर को इजीली फिट कर पाएंगे। तो ये हमारा आगे जो जहाँ पे आगे का ये वाला साइड है यहाँ पे हमारा ये पार्ट लगेगा, और जो पीछे भी मैंने डायनमो के पास आप देखिए मैंने ऐसा ही सेम बनाया है, तो वहाँ पर दो इंडिकेटर पीछे लग जाएंगे। तो चलिए अब हम इंडिकेटर्स को फिट करना स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने इंडिकेटर को अच्छे से फिट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट साइड का है और ये दो इंडिकेटर्स बैक साइड में। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये मैंने बटन को राइट साइड में कर दिया है और ये हमारा राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कैमरे में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि अभी डे का टाइम है तो डे लाइट की वजह से भी जो लाइट है वो आपको कम लग रहा होगा, और इसका जो साउंड है वो कम आ रहा है क्योंकि मैंने इस बॉक्स के अंदर इसका बजर फिट किया है और जो माइक है वो कॉलर के पास है, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा जस्टिस माइक नहीं कर पा रहा है। बाकी सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। ये मैंने लेफ़्ट में किया तो हमारा लेफ़्ट इंडिकेटर और बजर ऑन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा जो पूरा इंडिकेटर का कनेक्शन है वो वर्क कर रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको एंटी थेफ्ट अलार्म फिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने आपको इंडिकेटर कैसे फिट करना है वो बता दिया, क्योंकि जो एंटी थेफ्ट अलार्म फिट करेंगे उसमें हमें इंडिकेटर का भी कनेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस एंटी थेफ्ट अलार्म के जो सिस्टम होता है उसमें इंडिकेटर का भी कनेक्शन करना पड़ता है। तो वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म फिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।